चलिए, मेरा नाम विशाल है, मैं आपका गाइड हूँ, ठीक है। तो हम अपने जंगल में एंटर कर चुके हैं। हमारी जो जर्नी है अप्रॉक्स 50 किलोमीटर्स की होने वाली है, जिसमें हमारा पहले ऑफ रोडिंग है, फिर उसके बाद सेकंड गेट आएगा जहाँ से हमें कुछ किलोमीटर्स रोड में चलना है, मेटल रोड में चलना है। उसके बाद थर्ड गेट आएगा जहाँ से हमारी फिर से ऑफ रोडिंग होगी। इस तरीके से हमारी जर्नी है, ठीक है। तो आप कॉर्बेट आए हैं, मैं आपको कॉर्बेट के बारे में बताता हूँ। कॉर्बेट दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। पहला तो ये कि इंडिया में 106 नेशनल पार्क हैं, जिनमें से 54 टाइगर रिजर्व हैं, और जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनमें से सबसे ज़्यादा टाइगर अभी जिम कॉर्बेट में ही हैं। यहाँ अभी एक्टिव 260 टाइगर हैं जो कि काउंट किए गए हैं, पिछले साल ही काउंटिंग हुई थी, ठीक। और दूसरी चीज़ इसलिए फेमस है क्योंकि ये पूरे एशिया का पहला नेशनल पार्क है। ये 1936 में बन गया था, पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, ठीक है। हेली एक ब्रिटिशरी थे, इनने फॉरेस्ट रिजर्व किया हुआ था तो उनके नेम पे हेली नेशनल पार्क पड़ गया था, ठीक है। उसके बाद 1957 में इसका नेम हेली नेशनल पार्क से चेंज होकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ गया था। अब जिम कॉर्बेट बोले तो क्या है? जिम कॉर्बेट एक नाम है, एक ब्रिटिशरी थे, उनका नाम था जिम कॉर्बेट। तो वो एक हंटर थे, नेचुरलिस्ट थे। वो ऐसे टाइगर लेपर्ड को मारा करते थे जो कि मैनीटर हो जाते हैं, आदमखोर हो जाते थे, तो ऐसे टाइगर लेपर्ड को मारा करते थे। तो 1957 में चेंज हो गया था नाम इसका, जिम कॉर्बेट, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से जानवर है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बिग कैट्स में लेपर्ड एंड टाइगर होता है। टाइगर की मैंने आपको पॉपुलेशन बताई 260, लेपर्ड यहाँ से 600 से 700 लेपर्ड है कॉर्बेट में, ठीक है। स्मॉल कैट्स भी होते हैं यहाँ पे, लेपर्ड कैट होती है यहाँ पे, फिशिंग कैट भी होती है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे एशियाटिक एलिफेंट्स हैं, लगभग 1100 से 1200 हाथी हैं, ठीक। काउंटिंग इसलिए फिक्स नहीं हो पाती क्योंकि एलिफेंट्स वगैरह जो होते हैं माइग्रेटेड बहुत होते हैं। यहाँ का हाथी नेपाल तक भी जाता है, यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क लगता है ना देहरादून साइड को, चलते चलते जाते हैं नेपाल तक। हाँ, चलते हुए जाते हैं, सीजन वाइज आते जाते रहते हैं। आते जाते हैं, हाँ बिल्कुल आते जाते रहते हैं। और यहाँ पे 3 टाइप्स के डियर हैं, अलग अलग साइज के, अलग अलग नाम के, गोट के साइज से लेके हॉर्स के साइज के डियर हैं। सबसे छोटा हमारा बार्किंग डियर है, फिर स्पॉटेड डियर्स है, और फिर एक सांबर डियर है, ठीक। यहाँ पे 2 टाइप्स के बियर भी होते हैं, पहला तो हिमालयन ब्लैक बियर, दूसरा स्लॉथ बियर, ठीक है। इनकी साइटिंग काफ़ी रेयर है, पर ठीक है। यहाँ पे वाइल्ड बोर्ड्स भी होते हैं जिन्हें जंगली सुअर बोला जाते हैं, और मुर्दाखोर भी होते हैं जिसको वो हैं इंडियन गोल्डन जैकल, जिन्हें शियार भी बोलते हैं, गीदड़ बोलते हैं ना ऐसे, वो होते हैं यहाँ पे, ठीक है। 350 बर्ड की स्पीसीज़ हैं, जिनमें से बहुत सारी माइग्रेटेड हैं। विंटर्स में अलग तरीके की बर्ड आती है, समर्स में अलग तरीके की बर्ड आती है यहाँ पे। विंटर में तो बड़ी दूर दूर से आती है, यहाँ पे साइबेरिया से भी बर्ड आती है, ठीक। लिटिल कॉर्मोरेंट एक का नाम, तो बहुत सुंदर बर्ड है। अभी देख सकते हैं उसको? अभी नहीं, वो विंटर्स में आती है, विंटर्स क्योंकि में। साइबेरिया में ऐसा होता है बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो नवंबर में यहाँ पे आ जाते हैं फरवरी तक। यहाँ पे रामनगर एक सिटी है, वहाँ पे एक रिवर है कोसी रिवर, उसमें आते हैं, ठीक। और यहाँ पे रेप्टाइल्स में बात करूँ तो यहाँ पे कोबरा भी होता है, जिसकी लेंथ 12 फीट तक हो सकती है। किंग कोबरा भी होता है जिसकी लेंथ 18 फीट तक हो सकती है। रेड स्नेक्स होते हैं, बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और अभी जो स्टार्टिंग में रिवर पड़ी थी ना हमारी, स्टार्टिंग में जो सूखी रिवर थी, उसका नाम है दाबका रिवर, ठीक है। तो वो मानसून में फुल होती है। यहाँ पे ज़्यादा रिवर जो आएंगे ना, सीजनल ज़्यादा हैं, तो उस रिवर की एक कहानी है। जिम कॉर्बेट ने उस रिवर पे एक टाइगर मारा था, जो कि मेल टाइगर था, जिसकी लेंथ 10 फीट 7 इंच थी। इतना बड़ा टाइगर, हाँ 10 फीट 7 इंच, इतना बड़ा टाइगर था वो। उसकी स्टोरी भी है, गूगल में देखेंगे आप, बैचलर ऑफ पवलगढ़, पवलगढ़ उसका नाम है जहाँ से मैं एंट्री किए ना, उस गांव का नाम है। तो बैचलर ऑफ पवलगढ़ के नाम से उसकी पूरी स्टोरी भी है गूगल पर, और उनने बुक लिखी है, उसमें भी मेंशन है उसके बारे में। तो हम जंगल में, हमें दोनों तरफ देखते हुए चलना है। हमें जंगल में सामने कम चीज़ें दिखाई देती हैं, हमें साउंड पे या कुछ मूवमेंट पे डिपेंड रहना पड़ता है, तो ध्यान से देखते हुए चलना है दोनों तरफ। कहीं पे भी आपको कुछ दिखे तो आप जिप्सी रुकवा सकते हैं, आराम से देखेंगे हम, ठीक है। और एक रूल मैं आपको बता दूं कि हम जिप्सी से उतर नहीं सकते अपने रास्ते में, और कोई हमें गारबेज वगैरह बाहर नहीं फेंकना है, ठीक है।
आगे कुछ दिखेगा तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। आपके कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।